इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस में खेला जाना है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है, लेकिन अब फाइनल मैच से ठीक पहले ही संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर इंडियन टीम की जीत के लिए फैंस ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है। इंडिया फाइनल में मुकाबला जीते, इसके लिए लोगों ने हाथों में इंडियन टीम के खिलाड़ियों के पोस्टर और तिरंगा लेकर उनकी आरती उतारी और साथ ही टीम की जीत की कामना की है। लोगों ने संगम तट पर रुद्राभिषेक कर भारतीय टीम की जीत के लिए दुआ की है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में कमाल का प्रदर्शन किया, वहीं भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होना है। आज भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से ब्रिज टाउन बारबाडोस के मैदान पर होगा। दोनों ही टीमों ने अभी तक टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है और एक भी मैच नहीं हारी है। हालांकि फाइनल मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यहां फैंस ने इंद्र देवता से भी दुआ की है कि वो टीम इंडिया का साथ दें ताकि वो आज साउथ अफ्रीका पर जीत हासिल कर अपना परचम लहराए। मैच में बारिश की संभावना को देखते हुए आयोजनकर्ताओं ने रिजर्व डे भी रखा है ताकि फाइनल मैच का नतीजा सुनिश्चित किया जा सके। प्रयागराज में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस का उत्साह देखते ही बनता है। संगम तट पर हर उम्र के लोग एकत्रित हुए हैं जो भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्थानीय मंदिरों में भी विशेष पूजाओं का आयोजन किया गया है। कुछ फैंस ने भारतीय क्रिकेट टीम के रंगों में रंगे कपड़े पहन रखे हैं और पूरे शहर में एक उत्सव जैसा माहौल है। भारत के क्रिकेट प्रेमी इस महत्वपूर्ण मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत ने इससे पहले 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब एक बार फिर टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं कि वे अपने प्रदर्शन से टीम को विजय दिलाएंगे। भारतीय टीम के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया है। अनामिका चौधरी ने हमारे संवाददाता से बात की और भारतीय टीम के लिए शुभकामनाएं दी, आइए सुनते हैं। आज T20 में तीसरी बार भारत मैच खेलने जा रहा है और हम लोग पहले तो भगवान इंद्र से यही प्रार्थना करेंगे कि आज आप वहां ना जाएं, क्योंकि मैच सकुशल संपन्न हो जाए। और आज हम लोग ने भोले बाबा का रुद्राभिषेक किया, माँ गंगा की महाआरती करके यही प्रार्थना किया कि आज जीत दर्ज कराए हम लोग और भारत जीते और यह वर्ल्ड कप फाइनल जो होने हो रहा है उसमें जीत हम लोगों की भारत की दर्ज हो, भारत ऐसे ही अपना परचम लहराता रहे और आज ऐसे ही छक्के चौके चलते रहे। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके बल्ले में विराजमान हो जाइए ताकि विपक्षियों की जो बाल आए बाउंड्री के बाहर जाए और भारत खूब जीत दर्ज करे, और यही हम लोग ने आज उनसे प्रार्थना किया और प्रार्थना हम लोग की निश्चित सफल होगी क्योंकि हम लोग ने साक्षात भोले बाबा के शरण में आकर रुद्राभिषेक करके प्रार्थना किया, माँ गंगा के तट पे आके प्रार्थना किया, महाआरती की, तो निश्चित तौर पे हम सबकी कामना पूर्ण होगी। हम सब खुशियों की जीत जो यह जीत की खुशियां मनाएंगे, मिठाई खाएंगे, भारत हमारा जीतेगा, भारत ऐसे ही परचम लहराता रहेगा, यही आज हम सब प्रार्थना किए हैं। गंगा मैया की जय, भोले बाबा की जय। अनामिका चौधरी। वहीं शिवा त्रिपाठी ने भी अपनी शुभकामनाएं पेश की हैं, आइए देखते हैं। आज भारत और अफ्रीका के मध्य होने वाले विश्व कप के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ दशाश्वमेध तट पर रुद्राभिषेक पूजन आज किया है, सामूहिक रूप से पूजन आज किया है, जिससे कि हमारा भारत आज विश्व कप में विजयी हो, यही हम लोगों की विशेष कामनाएं हैं कि आज का विश्व कप भारत जीते, जो अरसे से हमारे लिए गौरव की बात हो। कृष्णकांत तिवारी, एडवोकेट हाईकोर्ट। हम सब की शुभकामनाएं, हम सब की उम्मीदें हैं कि आज भारतीय टीम वो परचम अपनी जीत का परचम लहराए और हम सब एक बार फिर से खुशियों के सागर में डुबकियां लगाएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।